करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। गोरखपुर पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा अर्चना की, शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। साथ ही उन्होंने गोरखनाथ मंदिर परिसर में गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन किए। सुबह सुबह मंदिर परिसर में मौजूद गौशाला भी वो गए, जहां उन्होंने गौ सेवा की। अपने हाथों से उन्होंने गायों को चारा खिलाया। गौ सेवा के बाद योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। सीएम के जनता दरबार में काफी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, और इसी यात्रा से जुड़ी हुई ये तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बात करते हैं हमारे संवाददाता गोरखनाथ मंदिर से, यतेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतेंद्र, अभी वहां पर क्या माहौल है? काफी लोग वहां पर जमा होंगे, लोग सीएम योगी से मिलना चाह रहे होंगे। देखिए, बिल्कुल सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर आ चुके हैं, और केवल गोरखपुर से नहीं, आसपास के तमाम जिलों से फरियादी अपनी फरियाद लेकर आए, और वो ऐसे फरियादी हैं जिनकी बड़े उच्च अधिकारियों ने, जो स्थानीय स्तर के अधिकारी हैं और बड़े उच्च अधिकारी, उन्होंने नहीं सुनी तब जाकर वो जनता दरबार में आए हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपना जनता दरबार गोरखनाथ मंदिर के अंदर लगाया हुआ है। मैं आपको अंदर का नजारा फिलहाल तो नहीं दिखा सकता, लेकिन अंदर काफी बड़ी संख्या में ऐसे फरियादी हैं जो अपनी फरियाद लेकर आए हैं, और उनका यही उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ उनकी सुनेंगे, क्योंकि सांसद होने से पहले जब सांसद थे तब भी वो यहीं पर अपना दरबार लगाते थे, तमाम फरियादी आते थे, और अब तीसरी बार मुख्यमंत्री यहां पर आए हैं तो फरियाद लगाते जो फरियादी हैं उनसे वो मिल रहे हैं लगातार। सुबह उन्होंने गौशाला में गए, गऊओं को चारा खिलाया, उनकी सेवा की, मंदिर में पूजा अर्चना की, और अब एक बार फिर से वो जनता दरबार में बैठे हैं फरियादियों के साथ। मेरे साथ कुछ ऐसे फरियादी भी हैं जो मुख्यमंत्री से मिलकर आए हैं। आप कहां से आए हैं और क्या समस्या थी आपकी जो आपने मुख्यमंत्री को बताई? दलघटा तहसील के कोदवड़ गांव संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। मेरे जमीन में अनधिकृत रूप से काम, निर्माण कार्य हो रहा था, इसके बावजूद भी डीएम, एसडीएम और सीओ मिल करके निर्माण कार्य करा रहे थे, और रात में सिपाहियों को सुला करके भी रात में भी काम हुआ। हमारे कहने के बावजूद भी लाख स्टे ऑर्डर दिखाने पर और सारे पेपर्स दिखाने, कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला हुआ है फिर? हाँ जी हाँ, कोर्ट से हमारा स्टे ऑर्डर है। सारे पेपर्स दिखाने के बावजूद भी वो हमें ही कहते हैं कि 107-16 में हमें बंद कर देना चाहिए। योगी जी से आप मिले तो उन्होंने क्या कहा आपकी समस्या? इन्होंने तो तत्काल सचिव साहब से तत्काल एक्शन के लिए बोला है। आप कहां? कई लोग पहुंचे हैं यतेंद्र, ये जो जनता दरबार है कब तक ये चलने वाला है? मुख्यमंत्री कब तक लोगों से मिलेंगे? अभी तक हमें नियमित नहीं किया गया, वेतन बहुत अत्यंत कम पाते हैं, उसी समस्या कम। देखिए, तमाम फरियादी हैं, और जहां तक जनता दरबार की बात है तो करीबन 10:30 से 11:30 बजे तक ये चलेगा, क्योंकि 11 बजे से 1 बजे तक मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में जो बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनसे मिलेंगे, वो उनसे जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे कि आखिरकार जो उन्होंने निर्देश दिए हैं तमाम उनको लेकर क्या स्थिति है, क्या पिछले 50 से जो जब से सरकार आई है 50 से 52 दिनों के अंदर स्थिति कितनी सुधरी है, और अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो क्या स्थिति है, और क्या अच्छे यहां पर और विकास काम कराए जा सकते हैं जिनकी जनता को दरकार है, इस तरह के दिशा निर्देश, उनकी समस्याओं को सुनते हुए उनका समाधान, और क्या रोड मैप गोरखपुर के विकास के लिए हो सकता है, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। तमाम मुद्दों पर इस तरह की चर्चा भी करेंगे मुख्यमंत्री, और देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में जो निर्देश दिए गए हैं उन पर अमल किया गया है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया यतेंद्र पूरी जानकारी के लिए। नसीबुद्दीन।